ओ बेटा जी, ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी डरो। तो गाइस पतली पुल के आगे डोबी नाम की एक जगह है, वहाँ पर अभी मैं और मेरा ग्रुप पैराग्लाइडिंग के लिए आया है। जनरली अभी जो रेट है वो 1500 रुपए है और 7-8 मिनट की राइड रहेगी। अभी हम साइन कर रहे हैं पेपर पे, और अगर आप गोप्रो यूज करते हैं तो उसका 500 रुपए चार्ज कुछ अलग से लगेगा। और जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह है वो सब मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और जो भी नंबर है वो सब आपके पास आ जाएगा। तो लेट्स सी कैसी होती है ड्राइव। मैंने कभी इधर के बारे में नहीं सुना था, और अभी इधर के बारे में सुना और मैंने सोचा चलो आना चाहिए, और मैं आ चुका हूँ। लेट्स सी होता क्या है। गाइस एवरीवन रेडी? हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? बहुत मजा आ रहा है भाई। अरे तो भाइयो फुल रेडी हो पैराग्लाइडिंग के लिए? गाइस ये जो गाड़ी जा रही है ये राइड आपके लिए बहुत ज्यादा अल्टीमेट होने वाली है, और लिटरली मैं इट्स वर्थ इट। डोंट, जैसा भाई ने कहा, डोंट मिस इट। ओ भाई क्या नजारे यार, क्या ही नजारे गाइस। गुरु एचडी वीडियो आएगी ना? फुल एक्साइटमेंट है गाइस। ऐसे क्या होता है, हाईवे चेक पायलट। आज मैं ऊपर आसमान नीचे। ओ बेटा जी, ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी डरो कभी करो। इस राइड के बाद वही वीडियो याद आता है, 200 रुपए ज्यादा ले लें लेकिन लेट करा दे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि 200 रुपए ज्यादा ले लो लेकिन लॉन्ग राइड करा लो, इतना ज्यादा वर्थ इट है। पापा की परी होती है और आज बेटा भी परा बन गया है, बच्चा उड़ने को चला है। हाय हाय हाय, क्या पीस है, अल्टीमेट बाबा, अल्टीमेट, इट्स रियली वर्थ इट। आपका अपना पंकज कैमरामैन कृष्णा जी के साथ। और देखिए हमारा पैराशूट की भी इतनी अच्छी खासियत कि तिरंगा है, तो भारत माता की जय। भाई मनाली में ये नहीं किया तो क्या किया। इस रास रिवर के ऊपर से ये जो मूव्स जा रहे हैं, पैराग्लाइडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा अल्टीमेट है। और लिटरली मैं यार, मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस और इतना ज्यादा अच्छा होगा मैंने बिलीव नहीं किया था। अब आप 360 व्यू का एंजॉय करिएगा जो अभी खास जरूर करूंगा।
तो गाइस लैंड कर चुके हो यहाँ पर, बस डेटा को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। और लिटरली मैं यार, और ये खुले मैदान में इतने सारे पैराग्लाइडर्स राइडर्स को नीचे उतरते देखकर एक टाइम पर हम भी उधर हुआ करते थे यार। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि छोटी राइड थी या बड़ी राइड थी, लेकिन जो आप मनी देंगे ना उस हिसाब से एकदम वर्थ इट राइड थी। और लिटरली मैं बहुत ज्यादा मजा आया, अल्टीमेट था। मनाली आया, ये नहीं किया तो क्या किया। तो गाइज आपको एक सच्चाई से रूबरू जरूर करना चाहूंगा कि अगर जो भी गोप्रो यहाँ पे ले रहा है तो प्लीज ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर कई इशू हो जाते हैं, जैसे डेटा क्रप। हमारे ग्रुप में हमारे मेरे कुछ साथियों के साथ भी ये हुआ। अब उन्होंने रिफंड तो कर देते हैं, लेकिन यार देखो इतना अच्छे एक्सपीरियंस का, जो कि कई लोग लाइफ में फर्स्ट टाइम ले रहे हैं और ऐसे डेटा क्रप हो जाए, तो प्लीज आप पहले ही इस चीज को लेकर कन्फर्मेशन रखिएगा।